एज ए न्यू MLA मुझे बहुत प्रॉब्लम लगा, जबकि रूलिंग पार्टी से होने से तो इसका बिकिंग मिल जाता है, लेकिन इस बार मेरा जो पार्टी है अरुणाचल के लिए भी नया है, लेकिन मेरा जो युवा बसर का जो युवा यूथ जो है हमको फुली सपोर्ट करके इस बार जो है मेरा 29 बसर ये प्रूव कर दिया कि रुपया पैसा एक फैक्टर हो सकता है इलेक्शन में, लेकिन रुपया पैसा सब कुछ नहीं है। तो जो सोशल सर्विस करता है, जो एरिया के लिए काम करता है, उसको चुनना है बोल के इस बार हमें चुन के भेजा गया है। इसीलिए मैं मेरा 29 बसर का यूथ और इंटेलेक्चुअल को मैं थैंक्स और धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो सर, आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी लेवल पर प्रायोरिटी क्या रखेंगे इस बार? मेरा जो है टॉप प्रायोरिटी जो है एजुकेशन और हेल्थ पे मैं ध्यान रखूँगा, और मेरा जो है इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी मैं इसी दो सेक्टर पे लेके मैं कैंपेनिंग किया हूँ। इसीलिए मैं एजुकेशन और हेल्थ को मैं मेरे तरफ से भरपूर ध्यान रखूँगा, बिकॉज NPP इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्टी फॉर द नॉर्थ ईस्ट, इट्स रिप्रेजेंटिंग नॉर्थ ईस्ट। सो आई वुड लाइक टू स्टे इन दिस पार्टी एंड आई वांट टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड फॉर माई स्टेट। एंड सर, टुडे अ न्यू स्पीकर हैज बीन इलेक्टेड, सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द न्यू स्पीकर एंड द डेप्यूटी? या रियली इन दिस टाइम वी हैव one of the most young and dynamic speaker we have got. We have lots of expectation from him. He is one of the most intellectual version of these members, of our total 60 members. So chief minister and his party and his council of ministers and entire BJP parties chosen him, and we the NPP also think that he is the one of the best best person to be hold such a coveted post.